2025 आने वाला नया साल मूल अंक 8 वाले के लिए कैसा रहेगा, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। अब पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 8 तारीख के जन्म और 17 तारीख के जन्म और 26 तारीख के जन्म मूल अंक 8 वाले होते हैं। और यहाँ 2025 का टोटल जोड़े तो यहाँ 9 नंबर निकल के आया, 5 2 7 2 9, तो यहाँ पर 9 नंबर निकल के आया। तो 2025 का भाग्य अंक 9 आया है। अब मूल अंक 8 है जिनका, तो ये 25 फायदा देगा कि नुकसान देगा, इसी पर आपको हम जानकारी देंगे। 26 तारीख के जिनका जन्म है, इसमें एक अर्थ एलिमेंट आता है, एक मेटल एलिमेंट आता है। 6 अंक को मेटल एलिमेंट कहते हैं और 2 अंक को अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों मिल के ही 8 अंक बनाया, तो इसमें फ्रिक्वेंसी कुछ अलग किस्म के होगा। 17 तारीख के जिनका जन्म होगा, इसमें एक सूर्या का नंबर है और एक केतु का नंबर है, इसको मेटल एलिमेंट बोलते हैं और इसको वाटर एलिमेंट बोलते हैं। दोनों मिल के 8 अंक को बनाया, तो इसमें फ्रिक्वेंसी अलग किस्म के होगा। आई 8 अंक से ही 8 अंक बना, तो इस शनि का नंबर बोलते हैं, इसको अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, तो ये अलग फ्रिक्वेंसी देगा। जिनका 8 तारीख के जन्म होगा उनका थोड़ा सा पेट खराब रहेगा और पेट में ज़्यादा कीड़ा बनेगा। जिनका 17 तारीख का जन्म होगा उनका भी पेट खराब रहेगा और उनको पेट में ज़्यादा कीड़ा बनेगा, ये 12 बरस तक ये तंग करेगा। 14 बरस तक के भी बच्चा को तंग करता है, ऐसे शुरुआत में 5-6 साल का बच्चा होगा तो ज़्यादा तंग करेगा। और जो 26 तारीख का जन्म है उनको पेट में कीड़ा नहीं बनेगा, इसलिए कि इसमें 6 अंक आया है। तो अब चलिए आपको हम 2025 के बारे में बताते हैं। 25 का अंक 9 आया है। अगर आपका 8 तारीख के जन्म हो, चाहे 17 तारीख के जन्म हो, चाहे 26 तारीख के जन्म हो, तो आप मूल अंक 8 वाले हुए। तो जिनका 26 तारीख के जन्म होगा और उनका मूल अंक 8 बनता होगा, तो 2025 उनके लिए अच्छा रहेगा, उनको अच्छा लाभ होगा, व्यापार में भी लाभ होगा, नौकरी में भी लाभ होगा, और प्रमोशन नहीं हो रहा होगा तो प्रमोशन भी होगा, और अच्छा बिजनेस भी ये कर सकते हैं। नौकरी नहीं लगा हुआ होगा तो नौकरी लग सकता है। अगर जिनका 17 तारीख के जन्म है तो उनको जो 8 बना, तो ये 8 आपको नुकसान देगा, हेल्थ इशू दे देगा, दुर्घटना दे देगा, आपको थोड़ा सा फैमिली में भी कुछ कुछ होगा और दोस्तों से भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और गाड़ी घोड़ा से बच कर रहिएगा, एक्सीडेंट होने का संभावना आपका बना रहता है। 8 तारीख के जिनका जन्म है इनका शारीरिक परेशानी आएगा और शरीर में भी कोई ना कोई बीमारी इनको होगा और केस मुकदमा में 2025 में उलझ जाएंगे। जिनका 8 तारीख के जन्म होगा, जिनका 17 तारीख के जन्म होगा, ये दोनों व्यक्ति केस मुकदमा में फंसेंगे, इसलिए 2025 में थोड़ा सा होशियारी से काम लें और थोड़ा सा नरम मियाद से काम लें, इसलिए कि 8 अंक और 9 अंक दोनों में पटता नहीं है। जिनका 26 तारीख के जन्म है उनका 8 अंक आता है मूलांक, तो वो ठीक रहेंगे, इसलिए कि इनमें 6 नंबर है और 2 नंबर है, तो ये थोड़ा सा उनको राहत देगा। बाकी जिनका 17 तारीख के जन्म और 8 तारीख के जन्म है उनको नुकसान होगा, तो थोड़ा केस मुकदमा इनके ऊपर लगने वाला है। तो थोड़ा जानकारी हम इसलिए दे दिए कि आप केस मुकदमा से बचिए और थोड़ा सा अच्छा जीवन बिताइए, और थोड़ा सा कोई भी कुछ बोल भी दे तो थोड़ा अनसुनी करिए कि हमको कुछ सुनाई नहीं दिया है, और थोड़ा सा पड़ोसी से भी वातावरण बना के रखिए, दोस्त यार से भी वातावरण बना के रखिए, थोड़ा सा नॉर्मल ज़िंदगी आप 2025 में गुजारिए, और नहीं तो आप केस मुकदमा में फंस जाइएगा, हो सकता है कि आपका जेल भी हो सकता है। इसलिए कि जो शनि का अंक है और ये 9 अंक मंगल का है, तो मंगल फायर एलिमेंट होता है और शनि जो होता है अर्थ एलिमेंट होता है, तो ये दोनों में जो है पटता नहीं है, इसीलिए आपको नुकसान देगा।
तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा होशियारी से और खामोश होकर 2025 में रहना है और वातावरण शांति से बनाए रखना है। कोई दो बात आपको कह भी देता है तो आप अनसुनी कर दीजिए और उसके बात पर ध्यान न दीजिए, अपने कामों पर फोकस करिए। ऐसा नहीं है, आपको काम धंधा भी चलेगा, बाकी नॉर्मल चलेगा, जैसे अभी चल रहा है इसी तरह से चलेगा। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा और न कम होगा, बाकी आपका थोड़ा सा हेल्थ इशू भी देगा और केस मुकदमा से आपको बच के रहना है, वातावरण में ज़्यादा न फंसना है, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना है। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।